जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गगेरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजपमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज रामायण दिन की क्लास में आपका पुनः स्वागत। तो जैसा आप सबको ज्ञात है, लोग अरण्य में प्रवेश करने वाले हैं आज। बाल कांड और अयोध्या कांड दोनों का अध्ययन हमने पिछले करीब 5 महीने, वो आपको तो पता ही है सारी कथा। भगवान श्री राम वापस अयोध्या नहीं लौटे और भरत जी उदास मन से पहुंच गए अयोध्या, और वहीं नंदीग्राम में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इस समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी भार्या सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ कहाँ पर है, मैं तो भूल भी गया, अयोध्या में कहाँ है? तो क्या वहीं रहेंगे कि अभी कहीं वहीं से कहीं जाएंगे? पता नहीं, हो सकता है अरण्य में तो पहुंच गए, आगे जाने की क्या आवश्यकता है। अब आज आदरणीय भाई राकेश चौबे जी से पता लगाते हैं कि बाद में वहीं रह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या जीवन यापन कैसे चल रहा है, गृहस्थी कैसे चल रही है। तो बस ज्यादा समय ना लेते हुए अब उनका स्वागत करें और अरण्य में ले जाएं, पर जरा हमारी रक्षा करें कि शेर वगैरह राक्षसों से दुष्टों से हम पर आक्रमण नहीं कर देंगे। जय श्री राम। स्वागत। जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुगुपानी। मैं आप सबके हृदय में विराजित माता सीता और श्री राम के सहित आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं श्री रामचरित्र भवन ह्यूस्टन का बहुत आभारी हूं कि उनने मुझे अरण्य कांड के प्रारंभ से लेके 13 और उसके बाद 13 से लेके 26 दोहे के अंदर तक जाने का एक समय दिया। मैंने इस पर कभी बैठ के पढ़ा लिखा तो लगा कि ये कांड तो बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। तो मैं पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं कि वन की घटना का वर्णन जिस कांड में हो उसे हम अरण्य कांड कहेंगे। वन का अपना नियम होता है जिसको जंगल का नियम भी हम कहते हैं। वहां रहने रुकने के स्थान नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं, कोई प्लानिंग के तहत निवास स्थान नहीं होता। उसी प्रकार इस कांड में भी जो ठहराव है जिसको हम सोरठा या दोहा बोलते हैं उसका कोई निश्चित नहीं है। कहीं 8 में, कहीं 12 में, कभी 24 में, कभी उससे भी ज्यादा चौपाइयों के बाद हमें विश्राम मिलता है। यहां पर श्री राम, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राजा राम की बारे में चर्चा अपने को देखने को मिलेगी, जिसका संकेत हमको तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में ही देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं उन भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं जो महाराजा श्री राम के उपासक है। या हम महाराजा शब्द का उपयोग करके उनने हमें कोई दिशा दृष्टि देने का प्रयास किया है।
बालक राम, शिष्य राम, फिर उसके बाद युवराज राम और फिर गृहस्थ राम के इस सफर की कहानी बहुत ओजपूर्ण और प्रभु श्री राम की वीरता को बखान करती हुई है। यह कांड श्री राम की प्रतिज्ञा का कांड है। लीज मनुज अवतार को चरितार्थ करता है यह कांड। उनके देवत्व स्वरूप का परिचय इस कांड में जो स्तुतियां हैं, चार स्तुतियां हैं, उसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। आज हम लोग यहां पर प्रारंभ से लेकर 13 दोहे तक की चर्चा करेंगे। इन 13 दोहों में गागर में सागर जैसे भरने वाली बात कही है तुलसीदास जी ने। इन 13 दोहों में बहुत सारे प्रसंग आए हैं। सबसे पहला मुख्य प्रसंग की बात करेंगे, उनकी चर्चा बीच में आएगी तब अपन बात करेंगे। पहला है श्री राम जानकी बिहार की बात करते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद जयंत प्रसंग आता है, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे गए वो। फिर प्रभु अत्रि से उनकी भेंट वार्ता है, माता अनुसुईया और माता सीता का प्रसंग आता है, सर्वंग जी का प्रसंग आता है, फिर श्री राम जी की प्रतिज्ञा आती है, फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग आता है और अंत में अगस्त मुनि का प्रसंग आता है। इस प्रकार कुछ मुख्य घटनाएं यहां पर घटती हैं। और यह मैंने जैसे आपको बताया कि प्रभु श्री राम की जो यात्रा है उसके कुछ यहाँ पर पायदान जो है निश्चित होते हैं कि उनका जो गंतव्य है कि लीज मनुज अवतार वाली बात जो है उन्हें लिया है, तो कैसे अभी हम आगे इसको देखेंगे। बाबा तुलसीदास जी ने इसका प्रारंभ किया है, पुनर्भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। पिछली 3 क्लास में बहुत विस्तार से आदरणीय शर्मा जी ने बहुत ही मनोयोग और बहुत आनंद से इसको सुनाया, मतलब भावविहल हम भी सुनने वाले भी हो गए थे, तो हमने बहुत इसका आनंद लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं इसके बाद प्रभु की वन की लीला के बारे में आपके चर्चा कर, वो वन में जो उनने लीलाएं करी है उसकी जो है वो चर्चा इस कांड में होगी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। अब पहला मैंने आपको बोला था कि श्री राम जानकी बिहार। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आधुनिक भाषा में ना मतलब क्वालिटी टाइम, आज की भाषा में क्वालिटी टाइम। तो ये पति पत्नी दोनों जो हैं वो फटिक शिला के ऊपर बैठे हैं और प्रभु श्री राम ने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूलों को चुन के माता के लिए जो है सारे महिलाओं के जो बुंदा होते हैं, हार, कुंडल, बाजूबंद, पाइजेब, कमरबंद, ये सब बनाए हैं और बड़े आदर के साथ उनको पहना रहे हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों की बहुत ही अच्छी, हालांकि तुलसी बाबा मालूम नहीं क्यों श्रृंगार रस में बड़े छोटे से में कह के छोड़ देते हैं कोई भी बात को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पति पत्नी के बीच जो एक प्रेम, आदर और दायित्व का जो भाव व्यक्त करने की कोशिश की है यहाँ पर। और इस प्रसंग को आप भूलें नहीं, इस प्रसंग को आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि जब हम माता अनुसुईया का प्रसंग पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में कई प्रश्न आएंगे, तो वो ये जवाब देगा ये वाला जो प्रसंग है। उसके बाद जयंत प्रसंग आता है, तो अचानक मन में प्रश्न आता है कि भगवान तो बढ़िया बैठे हुए हैं और विहार कर रहे हैं माता के साथ, ये जयंत कहां से बीच में आ गया। तो जब प्रभु लीला करते हैं तो सारे देवी देवता उनकी लीला के दर्शन करने के लिए पधारते हैं, तो वहां इंद्र भी आते हैं और इंद्र के पुत्र हैं जयंत, तो वो भी आते हैं। तो वहां पर सुरपति सुत धरी वायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। यहां 3 शब्द हैं, वायस वेसा यानी कौवे का रूप, सठ, चट को कोई चतुर कहता है, कोई बदमाश कहता है कोई, तो एक शब्द ये आया, और रघुपति बल ये 3रा शब्द आया। एक लाइन में 3 बातें तुलसी बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी कही हैं
कौए के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो पक्षियों में नीचे किस्म का पक्षी माना जाता है, और उसके बाद वो सठ हो, तो उसके सठ की कहानियां भी आप लोगों ने सुनी होंगी कि वो अपने अंडे जो है कोयल के घोंसले में रख देता है, तो कोयल उसका लालन पालन करती है। जब वो बोलता है तब समझ में आता है कि अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये तो कौए का बच्चा है। तो यहाँ इसलिए उसको सठ चतुर भी कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग तरह सठ के जो है। उसके बाद रघुपति बल, वो कहता है कि यार सब लोग देख रहे हैं, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि बच्चा है इंद्र के, चलो अपन को छिड़खानी करके आते हैं। तो वो जो है वो वहां से उड़ते हैं कौए का वेश धारण करके और माता सीता के पैर में चोंच मार देते हैं। तो जब चोंच मार देते हैं, पूरी विस्तृत कथा आप लोगों को सब मालूम है। प्रभु श्री राम जब देखते हैं कि माता सीता के अंगूठे से रुधिर बह रहा है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो वो जहां बैठे रहते हैं, हो सकता है चूंकि जंगल का है तो चटाई वगैरह कुछ बिछी होगी, तो उसी में से सीक धनुष सहायक संधाना, वहीं से जो है वो एक तिनका तोड़ते हैं और संधान करके और उस जयंत के ऊपर छोड़ देते हैं जो कि कौए का वेश धारण किए हुए। क्योंकि एक पक्षी को मारने के लिए एक नोकदार नुकीला अगर आपके पास लकड़ी का टुकड़ा हो तो वो पर्याप्त है। अब वो पूरे ब्रह्मांड में भागता है, तीनों लोकों में 14 भवनों में भागता है, कोई उसको शरण नहीं देखे तो देते हैं। राखी को सकह राम कर द्रोही, जो राम का द्रोही है उसको, जहां तक कि उसके पिता भी बोलते कि भैया तूने करनी करी, तू जान, तू ही निपट, मैं भी अब तेरा साथ नहीं दे सकता। तो जयंत की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि मित्र करई सत रिपु की करनी, जो मित्र हैं वो भी जो है दुश्मन के समान व्यवहार करने लगे, कोई उनको अपना नहीं। जहां तक कि ताकह विविध नदी बैतरनी, तो यहां पर विविध शब्द का उपयोग जो किया गया है वो देवताओं के लिए किया, देवताओं की नदी अर्थात गंगा नदी, जिसके स्मरण मात्र से सारे पापों से हम मुक्ति पा लेते हैं। तो वो नदी भी उनके पाप जो उसने किया है माता सीता के ऊपर चोंच मारने को, वो बैतरणी नदी जैसी प्रतीत हो रही है। बैतरणी के बारे में हम सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जब हमारी मृत्यु होती है तो वो जो 13 दिन होते हैं जहां मंगल श्राद्ध करते हैं, उस बीच में गरुण पुराण का पाठ किया जाता है। वहां पर इस बैतरणी नदी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है कि खून और पीप से मतलब नदी है, उसमें से जीव को जाना पड़ता है। तो यहां पर मतलब वो गंगा नदी भी जयंत के लिए वैतरणी नदी हो गई। अब होता है कि जब होता है ना कि प्रभु श्री राम तो समझ रहे थे कि मारना तो है नहीं, मारना होता तो वहीं खत्म कर देते, मगर कुछ और है उनके मन में, आगे पता लगेगा कि उनके मन में क्या है। तो जयंत भागते फिर रहे हैं, तो नारद जी को वो कहीं दिख जाते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि इधर आओ, देखो जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, जिसने तुम्हें परेशानी दी है, उसके अलावा तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए जाओ प्रभु श्री राम से माफी मांगो। जयंत जो है प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाते हैं, और भगवान तो शरणागत की रखते, उनका तो है ही कि शरणागत को जो है वो कभी अपना उसको स्वीकार करते ही हैं। तो प्रभु जो है वो जयंत को जो है अपना आ जाता है, बहुत बोलता है, वो बोलता है कि अब वहां पर उसने बोला है कि चाहत रघुपति बल, अब यहां वो बोलता है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान ना पाई। अब वो समझता है कि प्रभु आप तो बहुत बलवान है और आपकी तो प्रभुताई भी इतनी है कि मेरे को कोई शरण नहीं दी। तो प्रभु फिर उसको माफ कर देते हैं, मगर एक नयन करी तजा भवानी, भगवान शंकर कहते हैं कि उन्हें माफ तो कर दिया मगर उसकी एक आंख छीन ली। वो इसलिए वो यहां संदेश, मैंने बोला था कि यहां पर अरण्यकांड में प्रभु लीज मनोज अवतार की बात जो करी है उनने, तो यहां पहला सोपान आ गया उनका कि उन्हें एक संदेश दे दिया पूरी दुनिया को कि अगर मेरे से कोई छेड़छाड़ी करेगा, तिरछी नेखा देखेगा, तो मैं उसकी आंख नोच लूंगा। उनने एक आंख उनकी दे, तो यहां पहला संदेश भगवान ने दे दिया कि भाई मेरे साथ छेड़छाड़ मत करना, मेरे से दूर रहना। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है, तो दूसरा
बहुरी राम असमन अनुमाना, हो ही भीर सवई मोई जाना। भरत जी आते हैं, पूरा अयोध्या आता है, आसपास के गांव और सब लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, सब जानने लगते हैं पंचवटी में प्रभु रह रहे हैं। तो मानव स्वभाव तो है ही, अगर पता लग जाए कि भाई हमारा कोई रिश्तेदार वो है वहां बैठा और परेशानी में, तो कोई दूध लेके, कोई शक्कर लेके, तो कोई चाय बना के ले जा रहा है, तो कोई टिफिन ले जा रहा है, भीड़ लगने लगेगी कि चलो यार प्रभु को ये दे आए। उन्होंने कहा यहां से निकल लेना ही बेहतर है। और उसके साथ ये भी ध्यान रखा है कि मैंने पिता को क्या वचन दिया और माता ने क्या मांगा था कि मुझे जो है सन्यासी के वेश में रहना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है। इसलिए उनने मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो पंचवटी से आगे के लिए निकलते हैं। जब वो आगे के लिए निकलते हैं तो प्रथम उनकी भेंट जो है अत्रि मुनि से होती है। यहां पर अत्रि मुनि जो है उनको जैसे ही पता लगता है कि प्रभु श्री राम जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो बहुत भाव विवश हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है। तुलसीदास जी तो ऐसा तक कहते हैं कि दोनों भाइयों को नहला दिया उनने अपने अश्रुओं में, तो उनका जो है स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर करी पूजा कहीं बचन सुहाए। अब बड़ी अत्रि जी की जो प्रार्थना और ये प्रसंग है बड़ा उतार चढ़ाव वाला है, हम आगे देखेंगे। तो करी पूजा कहीं बचन सो, पूजा की बात कर रहे हैं तो वो प्रभु की पूजा जैसे हम लोग भी घर में करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, कुकु हल्दी चढ़ाते हैं, तो ये षोडश उपचार में आता है। और हम लोग कभी कभी जब कथा सत्यनारायण की कराते हैं तो पंडित जी बोलते हैं धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामी, तो ये जो चीज है षोडश मातृका षोडश उपचार में आता है। पूजा करी, उसके बाद उनकी जब पूजा कर लेते हैं, हम भी अपने घर में जब पूजा भगवान की करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, आरती गाते हैं, स्तुति गाते हैं, कोई हनुमान चालीसा गाता है, कोई सुंदरकांड गाता है, उसी प्रकार प्रभु की स्तुति अत्रि जी करते हैं। इस स्तुति का आदरणीय उषा जी ने बहुत विस्तार से हमारे से चर्चा की थी, इसलिए हम छोटी छोटी दो तीन बातें की इसमें बात करूंगा मैं और आगे बढ़ूंगा कि भक्तवत्सल भगवान जो संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल अर्थात जीवन से भक्ति का अमृत निकालते हैं, जो अजान बाहु धनुष धारण किए हुए हैं, अप्रमेय हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप सूर्यवंश के भूषण हैं, देवताओं से राक्षसों की रक्षा करने वाले हैं। अब यहां पर एक बात उनने कही है कि विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह अर्थात मूर्ति स्वरूप की बात करी है, जो मैं अपने दिमाग से जो मैंने समझा और मैं जहां पे जो भी बात कर रहा हूं, कई लोगों का ऐसा लगा कि मैंने हमने बोला था ये बात, तो कभी हो सकता है मेरे दिमाग में हो और मैं उसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ, और कई विद्वानों को जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैं मतलब यहाँ पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मूर्ति पूजन जो है वो शायद इसीलिए आई कि हम मूर्ति तो उसी के घर में लाएंगे जो हमारा इष्ट है। और अभी तक अगर हमने देखा भगवान राम हो, कृष्ण हो, किसी कोई ना मनुष्य है तो कोई ना कोई बुराई है, मगर जब हम विग्रह रूप की बात करते हैं तो सिर्फ भक्ति ही रहती है वहां पर, शायद इसीलिए यहाँ पर मूर्ति स्वरूप की बात कही है। यहाँ मुनि योग की पराकाष्ठा की बात करते हैं, यहाँ पर परम अवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो प्रार्थना में वे जागृत अवस्था से स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अवस्था तक जाते हैं, यहाँ पर वो प्रभु और अपने आप को एक देखते हैं। मगर इतनी सबको करने के बाद अंत में वो क्या बोलते हैं कि प्रभु आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं, जो भक्ति में जो मांगता है वो उसको देते हैं, इसलिए प्रभु सब कुछ ठीक है मुझे तो भक्ति दे, और वो भक्ति मांगते हैं। इस प्रकार की वो अर्चना करते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रसंग साथ साथ चल रहा है, माता अनुसुईया माता सीता को अपने कमरे में ले जाती हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है ये प्रभाव, मगर जब भी हम परिवार सहित कहीं जाते हैं तो घर की महिलाएं एक कमरे में हो जाती हैं, पुरुष एक कमरे में हो जाते हैं। महिलाओं की अपनी चर्चाएं होती हैं, अपनी बातें होती हैं, फलाने की बहू ऐसी हो, फलाने घर में ऐसा हुआ, और पुरुषों की यार मोदी जी ने ऐसा किया और वो यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, ये चर्चाएं ये एक स्वाभाविक रूप से होती। तो अब ये माता सीता को अनसुईया जी ले गई, अब उनका तो ध्यान उसी में कि ये तो जंगल में आई है, अब इनके कपड़े भी फटेंगे, इनके पास गहने भी नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो दिव्य अस्त्र जो उनके दिव्य वस्त्र जो उनके पास होते हैं वो, और उनके श्रृंगार के लिए उस जो उनके पास गहने गुड़िए होते हैं वो उनको देती हैं। और इस प्रसंग को पढ़ने के पहले हम बहुत अच्छे से एक बात को ध्यान में रखें
कि यहां पर मुनियों का ज्ञान वैराग्य भक्ति, इसके आगे सूरपुणा का प्रसंग आएगा और उसके पहले माता कैकेयी का और मंथरा का प्रसंग भी आएगा। इन सबको दिमाग में रखते हुए हम माता अनुसुईया के प्रसंग को पढ़ेंगे तो शायद हम उसको स्पष्ट कर सकेंगे। हालांकि तुलसी बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को का कंक्लूजन कहा है कि तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित, कि माता आप तो प्रभु श्री राम की प्रिय, मैं तो ये जो कुछ भी कह रही हूं वो संसार के लिए कह रही हूं। अब इसमें कुछ जो दो तीन कुछ बातें हैं मैं आपके विवेक पर छोड़ दूंगा, कुछ बातों की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, उसमें समय भी बहुत लगेगा और मालूम नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं उनको छोड़ दूं, कुछ बातों की बात करेंगे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखीय चारी। अब यहाँ परखीय शब्द का उपयोग बाबा तुलसी ने किया है, तो हमारे पास सोना चांदी रुपया होता है तो ये खरा है कि नहीं, तो कसौटी पे घिस के उसको देखते हैं या रुपए को जांच करते हैं कि भाई वो आरबीआई भी डिक्लेयर करता है कि उसमें हरी रेखा है ऐसी और ये फोटो है ऐसी और ये और वो, तो हम देखते हैं भाई 500 का नोट असली है या नकली है। तो इन चार लोगों को धीरज धर्म मित्र और नारू चारों लोगों को हमें हमेशा परखते रहना चाहिए, ये तुलसीदास जी ने कहा। इसमें को क्योंकि समय अभाव है और मैं इसलिए छोटी छोटी बात कहकर एक बात कहता हूँ बताता हूँ उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मित्र है आपकी, रात को 12 एक बजे तबीयत खराब हो जाती है, आपके सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप सोचते हो चलो मैं मित्र को फोन करता हूँ। उन्होंने मित्र ए को फोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, तो उसने बोला नहीं 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 देर नहीं करना, आसपास जो भी अस्पताल है जाके बिल्कुल एडमिट हो जाओ आप। तो अरे फिर मैं दिमाग में परेशानी हो गई यार, इसने तो कुछ बताया नहीं, अब ये तो मेरे को मालूम है कि अस्पताल चले जाना चाहिए, चलो बी को लगाता हूँ। बी को फोन लगाया, भाई देख तू जहां जैसी भी स्थिति में है वहीं लेट जा, लंबी लंबी सांस ले, धीरे धीरे पानी पीना, मैं 2 मिनट में आया तेरे पास। ये है दोस्त जो बोल सही सलाह दे के कह रहा है दो। तो इस ये परखने की बात बोल रहे हैं कि जब आपातकाल में कौन आपको किस तरीके से बता रहा है, तो इसमें परखना चाहिए। आगे बोलते हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बदिर क्रोधी अति दीना। ये इतने लोग जो है ये दीनहीन है, इनके ऊपर हमेशा में दया करना चाहिए, इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। आगे जो है वो श्री राम जी जो है मुनि से आज्ञा लेते हैं और आगे बन के जाने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रसंग में जो है वो कहीं कुछ छूट गया, हाँ इस प्रसंग में पतिव्रत धर्म की बात भी हुई है और पतिव्रत धर्म के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा अगर मैं करूंगा या तो वो मैं मालूम नहीं क्यों इसको छोड़ रहा हूं। सिर्फ आज विवेकानंद जी की जयंती है, मैं उनको नमन करते हुए उनका एक गीत की 2 लाइन आपको बताता हूं कि सत्य न आता पास, सत्य न आता पास, जहां यश लोभ काम का बास। पूर्ण नहीं वह, यहां वह पुरुष से मतलब है उनका, पूर्ण नहीं वह स्त्री में जिसको होता पत्नी भास। तो विवेकानंद के ये विचार हैं और बाबा तुलसी ने अनसुईया जी से जो विचार कहे हैं वो भी आप लोगों ने पढ़े होंगे या अभी आप पढ़ना। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि देशकाल वातावरण के अनुसार लेखक जो है अपने विचार रखता है, अब हमें अपनी बुद्धि और विवेक से उसमें से क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है यह अभी हमको निर्णय लेना होगा। इसके बाद प्रभु श्री राम जो है मुनि से बोलते हैं कि आप जो है आयुष हो ही जाऊं बन आना, अब आपका अगर आशीर्वाद हो तो मैं आगे वन में निकलूं। जब भी आगे वन में निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर तुलसीदास जी एक बात और भी बोलते हैं कि धर्म न ज्ञान न जोग जब राम है भज ही तो चतुर न। हम सब आदरणीय ओम जी की कृपा और इस मंथन समूह श्री राम मानस भवन के समूह से आज हम अपने आप को चतुर मान लें कि हम जो है भगवान राम की भक्ति और उनका स्मरण कर रहे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं कम से कम यहाँ बैठ के। तो वो बोलते हैं कि कलयुग में ना तो धर्म है ना ज्ञान है ना जोग है ना जप है ना योग, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज है प्रभु श्री राम का भजन, उनका नाम लेना, कलयुग नाम एक ही आधारा। यहीं पर जब आगे आप जाएंगे दोहा 6 के पर
तो वहीं पर एक बात कही है जो कि हमने अयोध्या कांड में भी पढ़ी थी और इस पर चर्चा करी थी कि उभय बीच सी सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, वही की वही लाइन सिर्फ एक शब्द बदल के फिर आ गई कि उभय बीच श्री सोहे कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। यहां पर मतलब वहां भी यही कहने की बात रही और यहां भी कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म के अधीन माया है और माया के अधीन जीव है, और यदि जीव और ब्रह्म आपस में मिलते हैं माया हट जाती है तो तभी इस जीवन का उद्देश्य सफल होता है। इसके बाद एक लाइन में विराध की चर्चा बाबा तुलसीदास जी ने की है कि मिला असुर विराध मग जाता। विराध एक गंधर्व है, उसका नाम कुतुम्बुक था, जो राजा कुबेर के श्राप के कारण निश्चर बन गया था। तो और उसके पास यह भी आशीर्वाद था कि वो किसी भी तरीके से नहीं मरेगा, तो भगवान श्री राम ने उसको एक गड्ढे में गाड़ के मारा था। कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि भगवान माता सीता का दो बार अपहरण हुआ था, एक बार विराध ने भी अपहरण किया था और भगवान श्री राम ने उसको वध करके माता सीता को छुड़ाया। इसके बाद प्रसंग आता है दोहा सात के आगे कि सर्वंग जी का प्रसंग आता है। सर्वंग जी लोग जो है बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं, उन्हें सारी रिद्धि सिद्धियां सब प्राप्त कर ली हैं और अब उनका इस लोक में जो है समय पूरा हो गया है। इंद्र स्वयं उनको लेने आते हैं कि चलिए भगवान अब आप ब्रह्म लोक में चलिए, तो वो बोलते हैं मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं तो अभी किसी का इंतजार कर रहा हूं। और उनको समाचार मिल जाता है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और वो प्रभु श्री राम के चरणों का आशीर्वाद प्रदान करके लेके और फिर जो है वो अपनी काया को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन कही है, सो कछु देव न मोहि निहोरा निजपन राखेउ जन मन चोरा। ये आठवें दोहे की पांचवी लाइन है कि सो कछु देव न मोहि निहोरा, ये कोई मेरे लिए कोई एहसान नहीं किया आपने, निहोरा यानी कोई मतलब एहसान नहीं किया है जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं, आप तो भक्तों के मन के चोर हैं, आप सब जानते हैं कि भक्त के मन में क्या है और आपका प्रण है ये, आप दीन दयालु हैं, दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, अगर भक्त को कुछ चाहिए तो वो आप देते हैं, तो वो ही तो आप कर रहे हैं, कोई आप मेरे ऊपर एहसान या निहोरा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक शब्द और आया है, यहाँ पर दो तीन शब्दों के लिए मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मानस पीयूष और विद्वानों का, ऐसे ही हमारे भोपाल में शायद हो सकता है इस मंच पर भी उपस्थित हों आचार्य जी जोशी जी, वो भोपाल में ही है और बड़े अच्छे ज्ञान रखते हैं, तो उनसे दो तीन शब्दों की मैंने चर्चा की थी। एक जो वेद भक्ति है, आगे एक शब्द और आएगा तो जब आएगा तब बताऊंगा मैं, तो ये वेद भक्ति के बारे में मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि मैं सोचता हूँ कि द्वैत अद्वैत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे जीव और ब्रह्म जो है वो दोनों को अलग अलग देख रहे हैं, तो वो जो भेद भक्ति का वर उनने प्राप्त किया, उनने अपने सारे बल जो कुछ भी तपोबल से योग बल से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया था यज्ञ बल से वो प्रभु को अर्पण कर देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे भेद भक्ति दीजिए। अब इसी के आगे जब हम चलते हैं तो दोहा नौ के ऊपर अगर आप देखते हैं तो प्रभु श्री राम, फिर वही बात आती है लीज मनोज अवतार की कि निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। भगवान श्री राम देखते हैं कि बहुत हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, तो मुनियों से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो मुनि बोलते हैं कि प्रभु जो ऋषि मुनि प्रभु की आराधना में ध्यान में यज्ञ में लीन थे उनको इन राक्षसों ने खा लिया है और यह उनकी हड्डियों का ढेर है। तो प्रभु बहुत ही दुखित हो जाते हैं, उनके आंखों में जल आ जाता है और उसी समय वो अपने हाथों को उठा के बोलते हैं कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पनकी, मैं अपने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इस पृथ्वी को निश्चर हीन कर दूंगा। ये दूसरी सीढ़ी चढ़ गए प्रभु अपने गंतव्य को पाने के लिए राक्षसों को, तो यहां पर उनने प्रतिज्ञा ले ली। उसके बाद प्रभु की यात्रा प्रारंभ होती है, दोहा दस पे आते हैं हम, सुदीक्षण जी का आश्रम पड़ता है। सुदीक्षण जी भी बहुत ही ज्ञानवान
और बस अगस्त जी के शिष्य हैं और भगवान राम के भक्त हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुतीक्ष्ण जी जो हैं, अगस्त जी ने जब शिक्षा दी तो बोले कि प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे क्या देना होगा, तो बोले कि नहीं मैंने तुमको गुरु ऋण से ऋण किया। तो बोले नहीं प्रभु आपको बताना तो पड़ेगा। तो कह लगे तुम इसको ऐसा करो फिर मुझे श्री राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन कराओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। और सुतीक्ष्ण जी राम भक्त थे। अब एक बड़ी दुविधा में सुतीक्ष्ण जी फंस गए कि वो अपने गुरु के दर्शन भी नहीं कर सकते थे जब तक कि प्रभु श्री राम के दर्शन ना कराए। तो प्रभु जब प्रभु के बारे में फिर वो जब प्रभु जब उनके वहां आते तो वो बोलते हैं कि एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। प्रभु की तो बात ही कुछ और है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारों वाली बात है। तो उनको सब मालूम रहता, उन्हें मालूम है कि सुदीक्षण जी मेरी इस बात तो सुदीक्षण के पास पहुंचते हैं और सुदीक्षण जी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपना प्रभु की जो है पूजा अर्चना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पर उनके उत्साह उनकी खुशी को तुलसीदास जी ने कटहल का उपमा दी है कि कटहल के फल के सुदीक्षण जी को कटहल के मतलब बहुत सख्त और दाने दानेदार होता है, कांटे कांटे होते हैं, उस प्रकार के शायद सुतीक्ष्ण जी का व्यवहार रहा होगा। मगर प्रभु राम की जैसे खबर मिलती है तो वो पके हुए कटहल के फल जैसे अंदर से नरम और स्वादिष्ट हो जाते हैं। आगे जब सुतीक्ष्ण जी से मुलाकात होती है तो आप देखेंगे कि आगे एक जगह आया है कि कनक तुरी है जनु भेंटे तमाला। यहाँ पे भी मैंने आचार्य जी से बात की थी कि कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय एक आय बोराय। तो यहाँ पर कनक का मतलब क्या है? तो स्वर्ण का वृक्ष अगर हम रामचरितमानस गीता प्रेस की देखें तो स्वर्ण के वृक्ष की बात कही है, और भी जगह मेरे को स्वर्ण का वृक्ष, मगर मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ पर शायद कनक यानी धतूरे के वृक्ष की बात कर रहे हैं। शायद सुतीक्ष्ण जी की छोटे हाइट के होंगे, दुबले पतले होंगे, और भगवान श्री राम जो है तमाल वृक्ष वो बहुत ऊंचा होता है, श्याम वर्ण होता है, शायद इसलिए यहाँ पर तमाल वृक्ष की उपमा दी है। और यदि आप देखें कि धतूरे के पेड़ जो होता है उसके पत्ते में कांटे होते हैं और वो कांटे पीले रंग के होते हैं, जब धूप पड़ती है तो पौधा जो है पीले रंग का चमकता है, शायद इसीलिए जो है उसको कनक तुरही की तरुही की बात बाबा ने कही है। जो मैं समझ चुका वो समझा, वो मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद स्तुति की बात आती है तो सुदीक्षण जी जो है प्रभु आपकी महिमा सूर्य के समान है और मेरी स्तुति जुगनू के समान है। वो बताते हैं कि प्रभु आप तो सूर्य के समान प्रकाशवान हैं और मैं जुगनू हूँ, क्षण भर के लिए रहता हूँ और उसके बाद मेरे प्रकाश की क्या तुलना, मेरे इसी प्रकार मैं आपकी क्या महिमा गाऊं, मैं आपके बारे में क्या बोलूं। फिर अगर हम देखें तो पहला श्लोक जो है इसी अरण्यकांड की उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति सी देखने को मिलती है कि मुंह रूपी बादल के लिए आप अग्नि है, कमल के खिलने के लिए सूर्य के समान है, मदमस्त हाथियों के लिए आप शेर के समान है, सीता जी के नयन चकोर के भांति हैं, शिव रूपी हृदय के लिए आप मानसरोवर के बाल हंस हैं। कई प्रकार की उपमाएं वो देते हैं। अभी जब हमें श्लोकों की चर्चा कर रहे थे तब हमने रुद्राष्टक में भी सुना था गिरा ज्ञान गौती, तो वो सब बातें यहां भी आई हैं। बहुत सारी उपमा देने के बाद वो कहते हैं कि आप निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, विषम भी हैं सम भी हैं, आप वाणी हैं और इंद्रियों से परे हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। आगे वो एक बात कहते हैं, प्रभु प्रभु आपका तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, मैं एक छोटा सा आदमी, उन्होंने पहले ही बोला कि मैं जुगनू के समान, मैं कैसे आपकी जो है वो प्रशंसा या स्तुति करूं।
सुंदरकांड में भी कहा है कि ऐविधि क्या है, तो राम गुण रामा पावा अनिवास विश्रामा, और गीता में भी कहा है कि धर्म संस्थाप नाथाय संभवामी योगे योगे। तो प्रभु जो है धर्म की स्थापना के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो जो धर्म की स्थापना के लिए जिसने जन्म लिया हो, जो सत्य है, उसकी कौन क्या प्रशंसा करे और क्या बोले उसके बारे में। अंत में वो ये कहते हैं कि प्रभु मेरा मन तो अरण्य है, और अरण्य जो है वहां सब कुछ होता है, शोक भी होता है, दुख भी होता है, विभत्सता भी होती है, सब कुछ। वो मेरा मन चंचल, मतलब उसमें कहीं कोई एक राग रंग नहीं है बहुत, तो अब आप जो है इस अरण्य रूपी मन में जो है मेरे निवास करिए। प्रभु बोलते हैं कि आप जो है वर मांगिए, तो बोलते हैं कि प्रभु मैं क्या वर मांगू, अच्छा और बुरा मेरे में तो कोई जो है ज्ञान नहीं है, अब आपको जो वर देना हो। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वैराग्य विज्ञान के साथ साथ सवन समस्त ज्ञान का निधान बना देता। वाह, फिर क्या कहना था, अब तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहां पर भी जो चर्चा हो रही थी जब जोशी जी, तो बहुत बढ़िया बात निकल के आई कि पहले तो अच्छा बुरा और क्या मांगू नहीं समझ में आ रहा था, अब तो ज्ञान मिल गया ना। तो बोलते हैं कि अब सो दे मोही जो भावा, अब आप मुझको बोल दो जो मेरे को चाहिए। तो वो फिर जो ज्ञान मिल गया तो कमलेश जोशी जी ने इस विषय में बोला कि लो भाई देखो कितनी बढ़िया बात यहां पर कही है, तो आगे और अपन बात करेंगे इस पर कि ज्ञान मिल गया। तो उनने बोला कि प्रभु आप माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास करें, वही हम रावण को भी तो ज्ञानी मानते हैं, उसको ज्ञान मिला तो पहला सोरठे में क्या कहा है, पाव ही मोह ही विमूल जे हरि विमुख न धर्म रति। अगर मूर्खों को ज्ञान मिल जाता है तो वो रावण हो जाते हैं, और इनको मिला तो इनने क्या मांगा कि मेरे हृदय में निवास करिए। तो ये इसके बाद सुदीक्षण जी जो है अगस्त मुनि जी के पास प्रभु श्री राम को ले जाते हैं, बहुत खुश हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि आज उनकी बरसों की तमन्ना है वो पूरी हो रही है कि आज वो अपने गुरु के दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम भी बहुत उत्सुक हैं अगस्त जी से मिलने के लिए, उसके कई कारण हैं। एक तो अगस्त जी वशिष्ठ जी के भाई हैं, और वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के गुरु, भगवान शिव को भी वो प्रिय हैं। एक बार त्वेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि ऋषि पाही, तो कुंभज जी के पास जो है बालकांड में हमने पढ़ा है कि प्रभु श्री राम शिव जी जो है वो कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, इसलिए भगवान भी अगस्त मुनि जी के जो है दर्शन करने के लिए उनसे मिलने के लिए बहुत ललायत है। जैसे ही अगस्त मुनि को समाचार मिलता है कि प्रभु आ रहे हैं, वे अपने आसन से उठ के दौड़ लगाते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, और प्रभु के आदर सत्कार के लिए वह है पलक पावड़े बिछाकर जो है वो दौड़ लगा देते हैं। उनमें प्रभु राम के मिलन की पराकाष्ठा है वहां पर। यहां पर जब अगस्त ऋषि जी से मुलाकात होती है, अगस्त ऋषि अपने आश्रम में लेके आते हैं, तो हमने बहुत सारे प्रसंग अयोध्या कांड से लेके यहां तक बहुत ऋषि मुनियों से प्रभु की चर्चा और सुनी, सिर्फ यहां पर भी यही एक प्रसंग आया है कि प्रभु ऋषि मुनियों के आमने सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे। यहां पर ये एक विशेष बात है कि यहां पर जो है अगस्त मुनि और बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो ये एक ही जगह ऐसा हमने को देखने और सुनने को मिला है रामायण में। इसके बाद प्रभु इस प्रसंग में अगर देखें तो प्रभु श्री राम जो है अगस्त मुनि से जो है पूछते हैं कि राक्षसों को वध करने के लिए प्रभु हमें मंत्र दो। तो यदि आप अपने स्मरण में देखें तो प्रभु ने तीन ही बार किसी से कुछ पूछा है। एक बार रास्ता पूछते हैं, दूसरी बार वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं
और अब यहां पर तीसरा पूछ रहे हैं कि अगस्त जी से कि भाई अब जो है आप मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे कि मैं राक्षसों का वध करने में आसानी हो मुझे। तो शायद मेरे ख्याल रामचरितमानस में तो इसका उल्लेख है या नहीं, मैं शायद विस्मृत कर रहा हूं, मगर ये उल्लेख कहीं मिलता है कि जब रावण का वध होने में परेशानी हो रही थी तब अगस्त ऋषि जी ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने का जाप करने का भगवान श्री राम को बताया था। जब अगस्त जी और प्रभु श्री राम की जब चर्चा होती है तो एक जगह जब ये पूछते हैं प्रभु उनसे कि बताइए, तो वो एक शब्द का उपयोग करते हैं कि उमरी तरु विशाल तव माया, अर्थात ये उमरी तरु जो है ये उस तरीके की बात आप कर रहे हो मेरे से पूछ रहे हो कि राक्षसों को मैं कैसे मारूं और क्या करूं, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, यानी ऐसा कहा जाता है कि गूलर का पेड़ जो है वो काफी उपमाओं में और उसमें बहुत उपयोग साहित्य में बहुत उपयोग हुआ है, कहानियां लिखी गई हैं कि गूलर का जो फल फूल है वो किसी ने देखा नहीं, रात को ही वो उगता है और सुबह तक वो चला जाता है। तो आपकी माया जो है वो आप माया रूप है, आप यहाँ लीला कर रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं राक्षसों के लिए मंत्र दूं। तो यहाँ पर एक इसका उपयोग किया है प्रभु जी ने, और सब कुछ बात होने के बाद अगस्त मुनि जी जो है एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि प्रभु मुझे अविरल भक्ति दीजिए, मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप निर्गुण ब्रह्म हैं, मगर इसके बाद भी मैं आपके सगुण रूप से ही प्यार करता हूं, तो मुझे आपकी सगुण भक्ति अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रसंग में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा जो कुछ भी देखा उसका जो क्लाइमैक्स उसका अंत जो है वो आता है गीध राज से भेंटे भाई बहु विधि प्रीत बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। ये आज का 13वां श्लोक अंतिम श्लोक है, और जैसा एक बार जब मेरे ख्याल से अयोध्या कांड का अंत हो रहा था तब आदरणीय गुप्ता जी ने इस बात को कहा था कि हमने आधी रामायण पूरी कर ली है, तो यहां पर इस रामचरितमानस रूपी पिक्चर का इंटरवल है और इसके बाद कहानी नया मोड़ लेगी। गीतराज के बारे में भी कई कई कहानियां प्रचलित हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो राजा दशरथ जो है उनके मित्र थे, मगर वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उनको राम श्री राम का सिपाही और गुप्तचर के रूप में दिखाया गया है। हम इसकी चर्चा इंटरवल के बाद मतलब अगले उसमें करेंगे कि अब ये गीतराज किस रूप में आए हैं और क्या एक मोड़ इस कहानी ये कहानी लेगी। और इतना कह के मैं माफी चाहते हुए कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कोई चीज तो मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से या यहाँ पर भी बता सकते हैं कि ये मैंने गलत बोला। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राकेश जी, एकदम टाइम का तो बहुत ही आपने ख्याल रखा, एकदम टाइम पे शुरू किया और टाइम बहुत अच्छा आपका विश्लेषण और जिस ढंग से आपने बताया वर्णनात्मक शैली में बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्यान, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने हिरण्यकांड आरंभ से 2013 तक जो कथा है जो प्रसंग है जो भाव है उसके बारे में बड़े अत्यंत सुंदर व्याख्या की, सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका किसी का कोई अभी बात थोड़ा समय है इस जो आज राकेश जी ने हमें बताया है उस पर, लेकिन आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए इस समय, राकेश जी हमारे सामने प्रस्तुत है प्रश्न उत्तर देने के लिए, कोई शंका हो। मुझे जो वो प्रसंग था
सीता जी का, राम जी का सीता जी को फूलों की वेणी बनाकर देने का, वो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैंने कम से कम 2 बार पढ़ा कि ये मैं ठीक ही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही, और पता नहीं क्यों बहुत एकदम जैसे वो जैसे चौबे जी बोल रहे थे ना, तो बस ऐसे स्पर्श करके वो छू गए और फिर चले गए। इस तरह से बड़ा खलता है बाबा की कैसी क्या है कि वो श्रृंगार रस से मालूम नहीं क्यों परहेज करते हैं, बस एक आध लाइन लिखी और मकर उसको 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 आप जो है वो अगर आनंद ले उसका तो मतलब क्या दृश्य होगा। हाँ। क्या दृश्य होगा, बहुत मर्यादित भाषा में व्यक्त किया है। हाँ, बहुत मर्यादित भाषा में व्यक्त किया है। हाँ, श्रृंगार भी बहुत मर्यादित भाषा में है। हाँ, इसीलिए तो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ है। इस प्रसंग में एक विमर्श का विषय भी है। माधवनी चौबे जी से पहले मेरी चर्चा भी हुई थी कि ये अगस्त ऋषि जो है वो गुरु है और सुतीक्ष्ण शिष्य है, और शिष्य भगवान को गुरु के पास ले जाता है, तो ये तो कभी कोई सिद्धांत रहा ही नहीं और ये कभी नियम भी नहीं रहा, तो ये एक विचित्र सा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर विमर्श होना बड़ी बहुत आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है, और मेरा अभी मन मस्तिष्क वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है कि इसके पीछे क्या रहस्य। अपनी चर्चा हुई थी मगर मैं भी उसका क्लू नहीं ढूंढ पाया तो मैं चुप रह गया, इसलिए बोला नहीं। फिर समय सीमा का भी ध्यान अगर वो ऐसे मेरा भी है राकेश जी से। राकेश जी, आपने आज बताया कि उभय बीच बीच माया जैसे ये वाली चौपाई का जो आपने आज दोबारा यहाँ पर भी इसका वर्णन है, तो दोनों वर्णन में क्या तुलसीदास जी ने कोई भिन्नता रखी है? हाँ। जो अयोध्या कांड और अरण्य कांड में ये है और भिन्नता है तो क्या है? मैंने वही बताया था कि वहां सीए शब्द का उपयोग किया है या श्री शब्द का उपयोग किया है। यहाँ लक्ष्मी जी, यहाँ लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं वो, वहां सीता जी की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अंतर है। इसलिए मैंने दोनों चौपाई को पढ़ के बताया था आपको कि यहाँ पर श्री शब्द का, और अगर विद्वानों की अगर हम बहुत इसके बारे में चर्चा, तो लक्ष्मण जी को भी श्री का रूप ही माना है जी, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। हाँ, लक्ष्मण जी को भी का, तो इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है और वो समय सीमा के हिसाब से उसको मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। चलिए हम अलग से आपसे इसको समझेंगे। चौबे जी को सोरठा पद को के में जरा समझाइए, मुझे समझ में नहीं आता है। कौन सा सोरठा पद को सीता जी को जो अनसुईया देती है शिक्षा, क्या क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी? कौन सा पांच छोरठा, ये कठिन काल मल वाला जी, छह का खा पांच क आवाज नहीं है, पांच का ख क क क देखिए मैं समझ रहा था, मैंने इसलिए छोड़ भी दिया था क्योंकि ये विवाद का विषय है। यहाँ पर स्त्री को अपवित्र की बात कही है, तो यदि आप मानस पीयूष उठा के देखेंगे तो उसने 2-3 बातों का इसमें बताया है, और शायद मैं कहीं उससे उसको स्वीकार नहीं पाया, इसलिए मैंने इस चीज को छोड़ दी। महिलाओं के लिए वो जो है गर्भवती होती हैं तब 9 महीने वीर्य का धारण करती हैं, साथ में हर महीने 4 दिन वो जो है अपवित्र होती हैं, ये सब बातें उसमें कही हुई हैं, इसलिए उनको अपवित्र। और जो कि मैं शायद मेरा मन इसके लिए, इसलिए मैंने विवेकानंद की बात कही है वहां पर आपको कि पुरुष के लिए भी नियम है, मगर हो सकता है कि उस समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि जब तुलसी बाबा ने जब लिखा तब मुस्लिमों का युग था, और उस समय उस बातों हो सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होंगी राजसी सुख और इन सब के लिए अपने पति को छोड़ के चली जाती होंगी, वो मतलब में भी ऐसी कोई संभावना होगी, शायद उनके मन में ये उपजी हो इस प्रकार की बातें। और मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं आज के युग के हिसाब से इस बात को मैं खुद ही
स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके विवेक पे छोड़ा। मुझे मालूम था कि इस बारे में चर्चा कोई ना कोई उठाएगा। मेरी स्वयं की बिटिया जो है, शादी हो गई, उसके दो बच्चे हैं, वो खुद कुछ तुलसीदास जी के नारियों के ऊपर जो प्रसंग है उससे सहमत नहीं है, जबकि वो अच्छा ज्ञान रखती है रामायण के ऊपर तो। मगर कुछ बातों के जवाब शायद मैं नहीं दे पाता और आज भी नहीं दे पाऊंगा आपको। नहीं, वो उसका सोरठा का दूसरा लाइन जो है वो रियली कि मुझे एकदम ही नहीं समझ में आया। जासु गावत श्रुति चारी अजम तुलसी का हरि प्रिय, माने क्या कहना चाहते हैं तुलसी? हाँ हाँ, ये जो है ना, ये प्रसंग है शिव पुराण में आता है। मैं दिमाग से विस्मृत हो रहा है जहां पर जलंधर की पत्नी, जालंधर की पत्नी जो है वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, जिनको छल से विष्णु भगवान ने उनका पतिव्रत धर्म का नष्ट किया था। तो वहां पर उनको जो है वो तुलसी की बात कर रहे हैं, तो वो तुलसी को आशीर्वाद मिला था कि आज भी जो है वो तुलसी जो है वो भगवान को प्रिय है, विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है। ये जालंधर वाले प्रसंग में अगर आप देखेंगे तो ये आपको इसकी कहानी मिलेगी। हाँ, वो दिया है बालकांड में 213 ऐसा में हमने चेक कर किया था है दोहा में, मगर मैं बता रहा हूँ मलिक जी, देखा उसमें मलिक जी, मैं बताऊँ आपको कि इस 13 दोहों में हर शब्द पे घंटों बहस हो सकती है। इसमें एक एक शब्द इतना मतलब वो है कि आप चाहें तो अपन चाहे जितनी बहस कर सकते हैं इसमें। मगर मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि कुछ बातों से मैं स्वयं भी मतलब ठीक है। मैं कह दूं, अगर आप लोग मुझे इजाजत दे, मेरे ख्याल से हम संख्या सुन नहीं पाए, पर ऐसा लग रहा है कि जो अनुसुईया जी ने स्त्री धर्म के बारे में बताया है उस समय की चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप लोग स्त्री के लिए उन्होंने क्या शिक्षा दी वो सबको दिख रहा है। नारी धर्म कहने से पहले उन्होंने पुरुष के लिए जो कहा, आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। नारी धर्म बताने से पहले उन्होंने पुरुष का धर्म बताया, कैसा पुरुष हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करे। इसीलिए मैंने हिंट किया था कि आप ये जो प्रसंग पढ़ रहे हैं फूल माला वाला, इसको दिमाग में रखिए अनसुईया प्रसंग के समय। राकेश जी ने कहा, पर आपके पास उस चीज को देख पाने की शायद क्षमता नहीं है। और जहां पर भी स्त्री की बात करते हैं, मैंने ये माना है कि मीराबाई ने जो कहा है, जब उनको ये कहा गया कि पराये पुरुषों के साथ घूमती फिरती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, तो उन्होंने कहा था मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, तो यहाँ जितने लोग बैठे सब स्त्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऊपर से देखने में भले पुरुष, आपका व्यवहार तो स्त्री है, हम सब प्रकृति है और प्रकृति से जन्मे है, तो पुरुष है कौन यहाँ पे? आप ये अहम भाव है आपका जो आपको स्त्री और पुरुष का भेदभाव दिखा रहा है, आपको लग रहा है आप पुरुष हैं हम स्त्री हैं। क्षमा चाहती हूँ अगर मैं कुछ उद्दंडता कर रही हूँ तो। चलिए, मैं मेरा उद्देश्य सफल हुआ, मैंने 10 मिनट बचाए इसीलिए थे कि इस पे चर्चा हो। और धन्यवाद विनीता जी, आपने 100% सही बोला है विनीता जी आपने। संख्या बहुत है, अगर मैंने बोला तो पिटाई हो जाएगी आज तो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रश्नकर्ताओं को और प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने वालों को। मुझे स्मरण हो रहा है कि इसी क्लास में शायद या किसी और शनिवार क्लास में मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि कुछ चौपाइयाँ हैं वो आज मानस की कुछ चौपाइयाँ हैं दो हैं वो कॉन्ट्रावर्शियल हो गए, विवादास्पद हो गए, उसमें ये सोटा है क्या। तो तब मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप में से, ये मेरी चुनौती है, ओपन चैलेंज, इन सब का एक संकलन करें
और फिर उस पर चर्चा करें, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम पूरा, जैसे विनीता जी ने कहा, हम पूरा हाथी तो देखते नहीं है, उसका कान देख लिया, बोला अरे हाथी तो पंखे की तरह होता है, तो वो हाथी का वर्णन नहीं हुआ। अब ठीक है, हमारी दृष्टि सीमित है, हमें वो कान ही दिखता है, तो ये हमारी मर्यादा है। तो फिर किसी बात को समझने के लिए उसका पूरा अध्ययन करना पड़ता है। अब अंग्रेजी हम कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया। हनुमान जी कहते हैं कि भाई जो हमारा सुबह मुंह देख लेता है उसको तो दिन भर रोटी नहीं मिलती, तो बोले अरे अरे तो हनुमान जी का सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, हमें रोटी नहीं मिलेगी। अब जब इस तरह का जो इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो वो अज्ञानी है या वो जानबूझ कर इस तरह का इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हमारे शास्त्र को बदनाम कर सकते। अब वो किस लिए करते हैं और वो राम जी जाने। तो मेरी ओपन चैलेंज है, सिर्फ आपसे नहीं सारे समाज से चैलेंज है, कैसी कंट्रोवर्शियल जो तथाकथित कंट्रोवर्शियल चौपाइयाँ हैं उनका एक संकलन करें, चौपाई सोरडा दुआ, और मुझे भैया मैं एक दिन बैठ के सबका जवाब देता हूँ, पंक्ति लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, और पेशेंस धैर्य होना चाहिए समझने के लिए, राइट। अभी कोई दूसरे कक्षा का विद्यार्थी हो और बोले मुझे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा हो तो आप उसको नहीं पढ़ा सकते, है ना। पहले आपको समझना पड़ेगा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, उनकी फिर न्यूक्लियर एनर्जी के पढ़ने के लिए आपको 10-12 साल अध्ययन करना पड़ेगा। पर हम हैं दूसरी क्लास में और जानना चाह रहे कि एटम साइंस क्या है और ब्रेन सर्जरी कैसे होती है, वो तो संभव नहीं है ना। तो आई थिंक वी हैव टू रीच टू दैट लेवल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस लाइंस। इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वी इग्नोर इट, हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि हम स्वयं अज्ञान हैं, मैं भी उसमें से हूँ, हमें क्षमा मांगनी चाहिए भाई इस बारे में मुझे पता नहीं है, पर ये नहीं कि ये गलत चीज़ लिखी हुई है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि भाई मैं इस विषय में कहने के लिए मुझे क्षमता नहीं है और इसका ज्ञान नहीं है, वो तो ठीक बात है। तो आज तो राकेश जी ने तो भगवान को एक दिन में ही पहुंचा दिया, दिल्ली से लेकर बम्बई तक, चित्रकूट से लेकर पंचवटी तक, बड़े तेजी से चल रहे हैं, उनसे प्रतिज्ञा भी करवा दी कि अब तो राक्षसों का नाश करेंगे। तो आपने बहुत काम दे दिया उनको, आराम से बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ प्रेम लीला में। हालांकि बाबा तो बड़ी मर्यादा भाषा में प्रेम लीला का वर्णन नहीं करते, पर आपने तो ये क्या करवा दिया, वो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करवा दी, अब तो पता नहीं क्या होगा। अब इसके बारे में अगले सप्ताह बताएंगे। तो बालकांड की उनकी दो यात्राएं, एक तो गुरुकुल में गए और वहां से वापस आ गए, वो एक सर्कुलर रूट है। इसके बाद में दूसरी उन्होंने रूट लिया बालकांड में, अयोध्या से निकले और विश्वामित्र जी के आश्रम गए, वहां से जनकपुरी गए और वापस आ गए। अभी तीसरी यात्रा आरम्भ हुई अयोध्या में, अयोध्याकांड में, अयोध्या से निकले और चित्रकूट तक आ गए। अभी आज चौथी उसी यात्रा का कंटिन्यूएशन आ जाए, चित्रकूट से पंचवटी। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, ये जानना हो तो अब अगले सप्ताह में आना पड़ेगा। क्विज 21 ऐसे में चल रहा है, 41 अपने से 41 मित्र उस क्विज को दे चुके हैं या ले चुके हैं, जो भी सही शब्द हो, और एवरेज स्कोर 92% है, तो इज अ वेरी नाइस। आप क्विज में अवश्य भाग लें, तभी आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट पार्ट। तो आज जयंत प्रसंग की बात हुई, तीन ऋषियों से मिलना हुआ, त्रि ऋषि से, सुतीक्षण ऋषि से और अगस्त ऋषि से, और राम जी की जो मैं मानता हूँ एक सबसे बड़े भक्तों में वो हैं जटायु, उनका नाम का सिर्फ उल्लेख हुआ है। तो जटायु से दो बार भेंट होती है राम जी की, आज भेंट हो गई और वहां पर उन्होंने गोदावरी के तट पर अपना आश्रम बना लिया। तो अब यही समापन करते हैं। इस शनिवार को एक विशेष प्रोग्राम है, वो है ओम आकृति विधा पर काव्य गोष्ठी। मैं विशेष अनुरोध करूंगा आपको इसलिए कि उस दिन इस विधा पर एक पुस्तक लिखी है आदरणीय श्रीमती सुषमा नय्यर ने, एक काव्य संकलन, 101 कविता उसकी, उसका विमोचन उस दिन करेंगे। काव्य गोष्ठी, पुस्तक लिखना, विमोचन करना, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात यह है, और ये चूंकि उन्होंने ये बात जग जाहिर की है अपनी पुस्तक में, प्रस्तावना में लिखा है, कि वो पिछले 13 साल से पार्किंसन से पीड़ित हैं और उनके स्वास्थ्य में काफी परेशानी है। इस विधा में कविता लिखने से
उनको स्वास्थ्य में बहुत फायदा हुआ है। अब ये आप बात हमें भी मान कोई कहेगा कि हमें भी मानने में नहीं आती, हम तो सोचते हैं अच्छा भैया दवाई लो उससे फायदा होगा, आयुर्वेद के लो, होम्योपैथी के लो, एलोपैथी के लो, या चलो आजकल रामदेव का जमाना है योग करो, यू नो सांसें ऊपर नीचे करो, पेट अंदर करो बाहर करो, पर कविता लिखने से स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है ये तो ऊपर अनहोनी बात है। आपने सुनी ऐसी कोई बात कि आपको कविता लिखने से आपका डायबिटीज चला गया, या आपका आप जैसे रामदेव जी कहते हैं आपकी आर्टरी ठीक हो गई, कैंसर के सेल बदल गए? मैंने तो नहीं सुना कि कविता लिखना, कविता लिखने से आनंद आता है, मजा आता है, राइट, लोग बोर होते हैं उसमें और भी ज्यादा आनंद आता है, पर एक ऐसा स्वास्थ्य लाभ हो ये तो बड़ी अनहोनी बात है। तो ओरियन का अपना व्यक्तिगत अनुभव है और उनको उसका वर्णन उन्होंने अपनी कविता के इंट्रोडक्शन में किया हुआ है, उस इंट्रोडक्शन में जैसे मधु गोयल जी आए उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब मैंने ये समझता विनीता जी तो उनकी परिचित है, पड़ोसन भी है उनकी, और विनीता जी ने बड़ा उनको एक तरह से कोयले की खान से एक रत निकाला है। एक बार विनीता जी ने जिक्र किया था कि इस हीरे को हम नहीं तराशा है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आए ताकि उनका मनोबल बढ़े और उनको स्वास्थ्य लाभ हो। नहीं तो ये सारी ये किताबें पढ़ने का क्या फायदा है, हम किसी को अभी आपने बताया था कि मित्र कौन है, थोड़ी देर में बताया था, अगर मित्र वही है जो संकट के समय काम आए, चाय पीने वाले और पिटी पार्टी करने वाले तो बहुत सारे मित्र हैं, तो आप उस दिन अवश्य आए, जितने ज्यादा लोग होंगे मैं समझता हूँ उनका मनोबल बढ़ेगा। और उन्होंने बहुत उनको ऑलरेडी इसके बाद में दो किताबें करीब करीब तैयार हो चुकी है, एक किताब तो उनकी इसी विषय पर है कि ओम विद्या में आकृति मानस रोगों की चिकित्सा का एक इलाज है, मानस रोग पर बाबा बालका उत्तराखंड में भी राम बाबा तुलसीदास जी बहुत बात करते हैं, जब उत्तराखंड में हम पहुंचेंगे तो उसके बारे में सुनेंगे। पर जो एक उन्होंने जो एक जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है और मुझे तो अभी भी ये बात बड़े आश्चर्य की लगती है कि ऐसा हो भी सकता है। सो मेरी विशेष आपसे अपील है उस दिन आए उनका मनोबल बढ़ाएं, तो उनको उनको एक को भी स्वास्थ्य लाभ हो एक बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट होगा, और फिर और लोगों को भी इस बारे में पता लगे तो अगर इससे बड़ी बात क्या है। सो बस इसी निवेदन के साथ बस आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए, मेरे लिए कोई प्रश्न हो। मैं सुषमा जी के बारे में एक शब्द सुषमा जी को डॉक्टर ने उनकी मेडिसिन चल रही थी तो और उनको बहुत कम फायदा होता था, तो क्योंकि ये नर्व से रिलेटेड बीमारी है तो डॉक्टर ने उनको सुडोकू और क्रॉसवर्ड पजल बहुत सॉल्व करने के लिए बोला था कि ताकि आपका ब्रेन लगातार एक्सरसाइज में रहे और एक्टिव रहे। पर जब उन्होंने ओम विधा में कविता करनी शुरू करी तो वहाँ संख्या भी थी और कुछ शब्द भी थे जो क्रॉसवर्ड पजल से हिस्सा हो गए और संख्या थी जो सुडोकू से हो गई, पर वो सब बहुत मैकेनिकल है, उसमें कोई भाव नहीं है, चाहे वो सुडोकू है चाहे वो क्रॉसवर्ड पजल है। जब वो कविता उन्होंने लिखनी शुरू करी जिसमें वो संख्या और शब्द दोनों के साथ खेल रही थी हम कह देंगे, तो वहां पे भाव था, तो जब वो भाव जुड़ गया एक मैकेनिकल प्रोसेस से तो उसका जो उनके असर हुआ तो इट इज वेरी साइंटिफिक। मुझे ये बिल्कुल कहीं से भी मुझे चमत्कार के जैसा नहीं, चमत्कार ही है पर बहुत साइंटिफिक है ये, इसीलिए इसको एक्सेप्ट करते बनता है इस बात को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही अजीब भी चीज है, तो आई थिंक इस पर परसों ये उनकी पुस्तक का विमोचन हो जाए तो फिर हम वी विल आल्सो कंसल्ट सम साइकेट्रिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट अबाउट दिस एंड टॉक टू देम अबाउट दिस इशू। आपने ये बात सही कि मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं यहाँ यूएस में, तो अब हमारे यहाँ बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापा आ चुका है, तो 3-4 साल पहले मेरी बड़ी बेटी ने कहा था कि डैड यू शुड बी डूइंग सुडोकू, मुझे खुद को कहा है योर ब्रेन रिमेंस एक्टिव। अब उनको तो ये नहीं पता कि ब्रेन तो पहले से डेड है तब का एक्टिव होगा, पर मैं सुडोकू मेरा बड़ा प्रिय खेल है, तो मैं
जब भी जब टीवी चलता होता है तो टीवी में ध्यान कम होता है मेरा, सुडोकू में ध्यान ज्यादा होता है, तो फोन पर बैठा बैठा मैं सुडोकू करता रहता हूँ. तो सुडोकू इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू कीप योर ब्रेन एक्टिव. आई विल रिकमेंड दैट. पर जैसा आदरणीय विनीता जी ने कहा कि वो एक थोड़ा मैकेनिकल प्रोसेस है एंड इट इज डेफिनेटली मैथमेटिकल ओरिएंटेड. यू नीड लॉजिक एंड मैथ. मैथ का मतलब ये नहीं कि वहाँ एलजेब्रा और ज्योमेट्री और टोपोलॉजी और कैलकुलस है, सब अंकों की माया है, पर थोड़ा सा तार्किक मस्तिष्क होना चाहिए. तो ब्रेन रिमेन्स एक्टिव विद दैट. सो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कहाँ तक आगे जाता है. और आई थिंक इस पुस्तक के विमोचन के बाद में आई थिंक वी विल डेफिनेटली कंसल्ट एक्सपर्ट्स इन दिस एरिया. अगर आपके परिचय में कोई मनोवैज्ञानिक हों, चिकित्सक हों, या साइकोलॉजिस्ट हों या साइकेट्रिस्ट हों, तो आप जरा हमें बताएं, तो विल टेक देयर ओपिनियन कि इज दैट समथिंग वी कैन Can it be used to cure such diseases? So we have one case study. और वो public में बात करने में उनको कोई इतराज नहीं है, वो स्वयं हम बात करें, स्वयं पुस्तक लिख रही है इस पर. So this could be a great contribution by her and this form of working. ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, पर मेरे ख्याल से ये, मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपसे शेयर की. पुस्तक तैयार है, पर अभी नहीं बताऊंगा. नौ दुल्हन को तो विवाह के बाद ही मुंह दिखाई होती है, तो अभी तो अभी एक्चुअली मैंने जो फ्लिप बुक शिव ने अभी आज ही भेजा, अभी भी मैंने नहीं देखा उसको. तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड उनकी रचनाएं तो बहुत सुंदर है. आप पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा. सो उसके बाद में बुक विल बी अवेलेबल फ्रीली, और आराम से पढ़िए. और लोगों को इस बारे में विशेष बताइए. कविताएं तो सब लिखते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कवि हैं, बड़ी बड़ी कविता लिखते हैं, और उनको सबको नमस्कार प्रणाम है, ऐसी कोई बात नहीं. पर हमने कोई ऐसा किया है कि जिससे किसी को लाभ हुआ हो, इस तरह का शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, ये बहुत बड़ी बात है. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम सर्वैव भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां भ्रतं गमय. ओम शांति शांति शांति. जय श्री राम.